सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो बाद में आप कुछ वीडियो बताऊंगा, इंडा मनी, ऐड द मनी, आउट ऑफ द मनी क्या है। तो मैं अपना ग्रो ऐप ओपन करके आपको दिखा दे रहा हूँ, इंडा मनी, आउट ऑफ द मनी, ऐड द मनी क्या है। तो मैं अपना ग्रो ऐप ओपन कर दे रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पर मैं अपना बैंक निफ्टी को ओपन कर दे रहा हूँ। उसके बाद बैंक निफ्टी के यहाँ पर मैं ऑप्शन चैन में चले जा रहा हूँ। यहाँ देख सकते हैं जो कि कॉल प्राइस यहाँ पर लिखा हुआ जो ऊपर है, जहाँ पे एक लाइन दिखा रहा है आपको, बैंक निफ्टी 70,000 का जो चल रहा है, जितना इसका ऊपर वाला है इसको बोलते हैं इन द मनी, जो इसके नीचे वाला है इसको बोलते हैं आउट ऑफ द मनी, और जो बीच में जहाँ पे लाइन है उसको बोलते हैं ऐड द मनी। वैसे पुट साइड में इसका उल्टा हो जाता है, जो नीचे का है उसको बोलते हैं इन द मनी, ऊपर का उसको बोलते हैं आउट ऑफ द मनी, जो बीच में जो लाइन है उसको बोलते हैं ऐड द मनी। जैसे कि आपको लगता है प्राइस इतने पर चल रहा है, अगर आपको लगता है कि मार्केट ऊपर जाने वाला है तो आपको हमेशा इन द मनी को बाय करना है। तीन स्ट्राइक प्राइस छोड़कर आपको चौथे को बाय करना रहेगा। जैसे मान लो यहाँ पे इन द मनी में 905, 961, 1023, 1094, तो आपको 1094 को 1100, जो मतलब अभी इस टाइम पे 1100 हो गया, तो आपको उसको बाय करना है। मतलब तीन स्ट्राइक प्राइस छोड़कर आपको चौथे को बाय करना है अगर आपको लगता है कि मार्केट ऊपर जाने वाला है तो। अगर आपको लगता है कि मार्केट नीचे जाने वाला है तो आपको जो इन द मनी ही बाय करना है, आपको तीन स्ट्राइक प्राइस छोड़ के आपको चौथे को बाय करना है, जो कि महंगा रहेगा प्रीमियम, लेकिन काफ़ी अच्छा आपका प्रॉफिट इसमें देखने को मिलेगा। अगर बैंक निफ्टी का नंबर आप पड़ता है तो आपको 60% आपको इन द मनी में आपको प्रॉफिट देखने को मिलेगा, 60 नंबर आपका बढ़ेगा। अगर आउट ऑफ द मनी में लेते हैं तो आपका डी के भी काफ़ी लॉस हो जाएगा अगर मार्केट साइडवेज हो गया तो। इसके लिए आपको हमेशा इन द मनी को ही बाय करना रहेगा। जैसे मान लो मार्केट यहाँ पे चल रहा है 47,240 पे, तो आपको इन द मनी में आपको बाय करना रहेगा 1,052 पे, जो कि तीन स्ट्राइक प्राइस आपको छोड़ देना है, तो आपको इसको बाय करना है, तो आपको अच्छा खासा इसमें प्रॉफिट देखने को मिलेगा। आपको हमेशा ध्यान रखना है, आपको हमेशा इन द मनी ही बाय करना है। अगर मार्केट लगे ऊपर जाने वाला तब भी आपको तीन स्ट्राइक प्राइस छोड़ के चौथे को बाय करना रहेगा। अगर लगता है आपको मार्केट नीचे जाने वाला है तो आपको इन द मनी का तीन स्ट्राइक प्राइस छोड़ के आपको नीचे का मतलब जो 1189 चल रहा है आपको उसको बाय करना रहेगा। आपको हमेशा इन द मनी में आपको ट्रेडिंग करना है, ना कि आउट ऑफ द मनी में। तो कुछ इस तरीके से आप इन द मनी, आउट ऑफ द मनी समझ सकते हैं। और जहाँ पे मार्केट चले उसके तीन स्ट्राइक प्राइस छोड़ के ऊपर का ही आपको बाय करना है, ना कि नीचे का बाय करना। नीचे का बाय करेंगे, मान लो मार्केट साइड वेज हो गया, तो आपका सारा पैसा डीकी हो जाएगा, सारा पैसा आपको लॉस हो सकता है। तो इसके लिए आपको हमेशा इन द मनी में ही रहना है, आउट ऑफ द मनी में नहीं जाना है। और आपको लो प्राइस नहीं ढूंढना है। मतलब काफ़ी लोग होते हैं जो कि उनको लो प्राइस देखते हैं, यहाँ पे 3 रुपये 5 रुपये का होता है, उसको बाय करके बैठ जाते हैं, उनका पैसा कुछ भी नहीं बढ़ता, ओनली लॉस होती हुआ जाता है, उनका कोई भी प्रॉफिट नहीं होता। कितना भी यहाँ पे नंबर बढ़ जाए लेकिन उनका एक भी रुपये का प्रॉफिट नहीं होता, ओनली डी के लॉस होता चला जाता है, उनका प्रॉफिट, उनका जो पैसा रहता है सब लॉस होते चला जाता है। तो आपको हमेशा इन द मनी को ही बाय करना है, जो कि प्रीमियम महंगा रहेगा लेकिन आपका अच्छा खासा प्रॉफिट देकर जाएगा। तो कुछ इस तरीके से आपको ट्रेडिंग करना है। तो अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी, हमारी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।